रैयत विस्थापित मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खलारी प्रखंड अध्यक्ष बनने पर साबिर अंसारी को दी बधाई। साबिर अंसारी को खलारी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर रैयत विस्थापित मोर्चा ने साबिर अंसारी से मुलाकात किया और माला पहनाकर व लड्डू खिलाकर उन्हें बधाई दी है। साथ ही मोर्चा ने आशा उम्मीद जताया है कि साबिर के नेतृत्व में खलारी की जन समस्या, विस्थापन समस्या, शिक्षा, चिकित्सा, प्रखंड व अंचल की समस्या उठाने व हल कराने में मददगार साबित होंगे, गठबंधन को मजबूत करेंगे। समारोह की अध्यक्षता विस्थापिता नेता इकबाल हुसैन ने की। संचालन अशोक महतो एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रेमचंद कुमार ने किया। हमारे बीच के साथियों ने ऐसा महसूस किया कि अगर साबिर भाई को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है तो सम्मान करना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए फिर से एक बार भाई को और तमाम उपस्थित लोगों को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे सम्मान में आयोजन किया, मुझे इस लायक समझा अपने छोटे भाई को या अपने साथी को कि उनके सम्मान में यह कार्यक्रम होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ इकबाल भाई की बात को कि समस्या इस क्षेत्र में पूरे तरह से हमको अनुभव है, लेकिन जिन मूल समस्याओं पर मेरा ध्यान रहेगा, इस क्षेत्र की शिक्षा, विस्थापन, पानी की समस्या है ना, स्थानीय समस्या, ब्लॉक से संबंधित जुड़ा हुआ वृद्धा विधवा, हम लोग काम कर रहे हैं लगातार उस पर है ना। हमारे पंचायत सचिव, हमारे बड़ा भाई साथी जी यहाँ पर उपस्थित है और मैं उनका पूर्ण रूप से सहयोगी रहा और हमेशा जब भी इस प्रखंड के वीडियो जो हैं लेख राजनाथ, उनको भी हमारी आवश्यकता होती है तो डायरेक्टली हमारे पास फोन भी करते हैं और बड़े भाई के माध्यम से खबर भी भिजवाते हैं कि जो भी काम आपका क्षेत्र में रुक रहा है आप साबिर जी के पास चल जाइए, साबिर जी के माध्यम से आपका सारा काम होगा। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ खलारी क्षेत्र के तमाम वासियों को कि मुझे अगर जो जिम्मेवारी मिली है प्रखंड अध्यक्ष के, तो जो भी शिकायत या जो भी समस्या मेरे तक आएगा मैं उसका निदान, मतलब जिस भी विभाग से रिलेटेड होगा उसको मैं वहाँ से उसका समाधान कराने में मैं सक्षम हूँ और मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा कि जो आज मुझे यह सम्मान मिला है इसके मूल हकदार